नमस्कार, नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। और सबसे पहले बात करेंगे कटिहार में बिहार के डिप्टी सीएम और तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदर अस्पताल में 100 बेड के नए भवन और मातृ शिशु सदन का शिलान्यास किया। इस भवन का निर्माण 42,67,00,000 रुपए की लागत से होगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज का दिन कटिहार के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए बड़ा दिन है। आज कटिहार जिला के अंदर मातृ शिशु अस्पताल के शिलान्यास का कार्यक्रम और कटिहार सदर अस्पताल के कार्यारंभ का काम हम सब लोगों ने शुरू किया है। इसके अलावे जो ANM इंस्टीट्यूट है उसके उन्नयन का भी कार्य किया गया है और आगे कटिहार सदर प्रखंड में हफलागंज अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्णिया के लोगों के लिए एक बड़ा दिन साबित हुआ, क्योंकि यहां पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मातृ शिशु सदन और नए भवन के 100 बेड के नए भवन का शिलान्यास किया। यानी कि यहां के लोगों को स्वास्थ्य सेवा की बेहतर सुविधाएं जल्द मिलने वाली है। वहीं कटिहार जिले में सदर अस्पताल में 42,67,00,000 से 100 बेड के अस्पताल, 100 बेड मात्र शिशु भवन के अलावा नर्सिंग भवन का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन किया। इसी के साथ उद्घाटन कार्यक्रम विवाद में छिड़ गया। बता दें कि विवाद का कारण कार्यक्रम को लेकर तैयार किया गया बैनर है, जिसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को ही जगह नहीं दी गई। वहीं अब इस मामले में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि लगता है कि कोई चूक हुई है, उसे ठीक किया जाएगा। नीतीश कुमार हम सबके नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि बड़ा विवाद इस शिलान्यास के दौरान देखने को मिला, जहां इस कार्यक्रम में शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, लेकिन कहीं भी सीएम नीतीश का चेहरा किसी भी बैनर पोस्टर में नजर नहीं आया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमन है फोन लाइन पर। सुमन, आखिर ये विवाद सामने कैसे आया? देखिए, आज कटिहार में जो है बिहार के डिप्टी सीएम थे तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार सरकार के मंगल पांडे, वो आज जो है जी सुमन बताएं शिलान्यास कार्यक्रम आए थे, जहाँ की जो पोस्टर लगा हुआ था शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर, जो आधारशिला रखी गई थी, वहाँ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनका बैनर और पोस्टर में जो है कहीं फोटो और उनकी तस्वीर नहीं दिखी, जिसके कारण जो है जदयू कार्यकर्ता जो कटिहार के वो नाराज दिखे। और इस मामले पर जब मीडिया के द्वारा डिप्टी सीएम से पूछा गया कि सर बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहीं पोस्टर भी नहीं है, फोटो नहीं है, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि लगता है कहीं ना कहीं कोई चूक भी है। और जी सुमन, उस कार्यक्रम में आप मौजूद होंगे, किसकी नाराजगी वहाँ के जेडीयू नेता जो थे, स्थानीय नेता की नाराजगी देखी गई, क्या कुछ कहा जेडीयू नेता जो थे वहाँ मौजूद? देखिए, कहीं आज का जो ये नाराजगी जो जदयू के कार्यकर्ताओं में और उनके जो नेता है विधायक थे उनमें जो है नाराजगी, भाजपा के प्रति नाराजगी दिखी। कहीं इन लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा और जदयू का बिहार में सरकार है, उसके बावजूद भी जो है उस कार्यक्रम किया जाता है कटिहार में सदर, खास करके सदर अस्पताल को लेकर, और मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य मंत्री है वो है सीएम बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, इसके बावजूद जो है कि पोस्टर में जो इतनी बड़ी चूक हुई है उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल देने का जो है काम किया गया है, और इसको लेकर जो है खासा नाराजगी जदयू में दिख रही है। ये चूक हो सकती है, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि डिप्टी सीएम को सफाई देनी पड़ी? कार्यकर्ताओं हो सकती है, लेकिन किस कारण से डिप्टी सीएम को जी डिप्टी सीएम को और इस बात को बताना पड़ा
इतने बड़े कार्यक्रम को। हमारे साथ जेडी प्रवक्ता अंजु महाराज जुड़ चुके हैं फ्लाइन पर। अंजु महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन न्यूज में। अंजु महाराज जी, आज जिस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा गायब रहा, इसकी शिकायत जेडीयू के नेताओं ने भी की, आप क्या कुछ कहती हैं इस मामले को, किस रूप में देखती हैं? देखिए, एक चीज को जान लीजिए कि अगर इस तरह का हुआ है तो निश्चित रूप से जो ऑफिशियल लेवल पर उसको देखने की जरूरत है, जो सीनियर अथॉरिटी है उनको देखना चाहिए इस चीज को। लेकिन इन सारी चीजों को अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण पे हमारे नेता अगर नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम, उनकी नीतियां, उनके पॉलिसीज या जो समाज में एक परिवर्तन उनके नीतियों के माध्यम से हो, वो बिहार के एक एक लोग जो एक एक आवाम जानती है सारी चीजें। अंजु महाराज जी, चुनाव प्रचार में तो मोदी थे, नीतीश कुमार थे, तमाम लोगों के चेहरे को यूज किया गया। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को बड़ी जगह दी, नीतीश कुमार को बड़ी जगह दी थी पोस्टर में। लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हो गया, उनकी सरकार बन गई, तो फिर नीतीश कुमार जी को क्या साइडलाइन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? नहीं नहीं नहीं, देखिए बीजेपी के द्वारा, यहाँ बीजेपी और जेडीयू नहीं बल्कि वो सरकारी कार्यक्रम नंबर वन आपको समझना होगा मैं जी। और जब सरकारी कार्यक्रम है तो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अथॉरिटी है जो इन सारी चीजों को देखता है, निश्चित रूप से जो सीनियर अथॉरिटी है जिनके भी माध्यम से जो गलती हुई है, जो चूक हुई है, उसको देखना चाहिए। और भी उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इन सारी ये जो चीजें हुई इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं। जी जी, आप कह रही हैं कि प्रशासनिक स्तर पर यह भूल हुई है, इसे राजनीतिक तूल नहीं देना चाहिए। अंजुम जारा जी, तमाम जब बातचीत के लिए शुक्रिया आपका, हमारे समय दिया आपने, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अंजु महाराज जी थी, उनका कहना है कि, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद सिंह, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, जिस तरह नमस्कार आपका और धन्यवाद आपका नेशन न्यूज में आपने समय दिया। सवाल यह आपसे है कि जिस तरह के आज कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम था, शिलान्यास कार्यक्रम था, और उसमें नीतीश कुमार जी को जगह नहीं दी गई पोस्टर में, बैनर में कहीं, इसको किस रूप में देखते हैं? वहां के जेडीयू नेताओं ने इसमें विरोध भी प्रकट किया है। कार्यों का भूल है, भूल बस हुआ होगा। ऐसा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम सभी के नेता हैं, और उनका फोटो नहीं रहना ये अधिकारियों का भूल बस मानव भूल कहिए। चलिए, आप अधिकारियों पर फेंक दे रहे हैं, अधिकारियों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि डिप्टी सीएम को भी सफाई देनी पड़ रही है इस मामले में? पहले क्यों नहीं इस चीज को देखा गया? विषय ही ऐसा है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जहाँ फोटो नहीं रहेगा जी, तो ये तो नेता ही का फोटो नहीं है, तो ये तो अधिकारियों का बहुत बड़ा भूल है जी, ये बहुत बड़ा भूल है, अधिकारियों का भूल है। चलिए, अधिकारियों की भूल हम मान लेते हैं, लेकिन जेडीयू नेताओं का और विधायकों का जो विरोध सामने आ रहा है, स्थानीय विधायक विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये जेन्युइन विषय है अरविंद जी, जिस तरह से स्थानीय नेता जेडीयू के हैं इस मामले पर विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के नेता हैं जी, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का किया हुआ, उन्हीं का फोटो नहीं है ये, जो भी वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो वहाँ का उस पूरे कार्यक्रम का जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो अधिकारी, ये उनका दायित्व बनता है जी, ये उनका दायित्व बनता है, जिले का जिला अधिकारी, ये सब उनका दायित्व बनता है, नगर निगम का जो ये है कर पालक उनका विषय है, और ये मानव भूल कहिए क्योंकि उनका कदापि इसे मानवीय भूल मान रहे हैं, लेकिन आप ही के जो गठबंधन दल के नेता जेडीयू हैं, जेडीयू के जो बरारी विधायक है, कार्यक्रम से गुस्सा होकर रुखसत कर लिए, वहां से चले गए उठकर, अब इस चीज को कैसे आप देखेंगे? स्वाभाविक विषय है कि जब हमारा नेता का फोटो नहीं देखे होंगे लोग जी, तो जरूर उसमें ये स्वाभाविक विषय है जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक विषय है, हम सब आदमी है, मानव है, और ये कहीं ना कहीं जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं जी जी। अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मृत्युंजय जी, आपने देखा कि आज कार्यक्रम जो कार्यक्रम थी बिहार सरकार की कटिहार में शिलान्यास किया गया है भवन का, उसमें नीतीश कुमार का चेहरा गायब है, सिर्फ नीतीश कुमार का। इस पर जेडीयू विधायक ने नाराजगी भी जाहिर की क्या, और बीजेपी यहां तक कि अब सफाई दे रही है, कह रही है कि मानवीय भूल है, इसे आप लोग किस रूप में देखते हैं? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, अब इस मामले को किस तरह से ठीक किया जाएगा? जेडीयू के नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि अब एक साइडलाइन किया जा रहा है जेडीयू के नेताओं को, और जो अब माननीय तमाम एनडीए का चेहरा बता रहे हैं नीतीश कुमार को, उनको ही साइड करने का आरोप लगा रहे हैं आप पर, क्या कुछ करेंगे आप लोग? बिहार, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के नेता हैं, और हम सबको खेद और दुख है जो उनका फोटो नहीं था जी। ये हम सब लोग को ये है, पूरे एनडीए को ये सबको पता है, लेकिन फिर भी जेडीयू नेताओं की नाराजगी तो दिख रही है ना, आरोप तो लगा रहे हैं ना, अब इसको किस तरह से ठीक करने की कवायद की जाएगी? उनकी नाराजगी तो दिख रही है ना। कई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, अब तो उसका सुधार होगा, या जो व्यक्ति इसके लिए दोषी होंगे। अरविंद जी, आप मीडिया, आप लोग मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि इसे राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, लेकिन इस पर तो आप ही के जो नेता, जेडीयू के नेता विधायक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई साइडलाइन किया जा रहा है। अरविंद जी, आप बने रहे, आपसे सवाल पूछेंगे आगे भी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी और फिर से जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन न्यूज में। मृत्युंजय जी, कटिहार मामले पे पहली प्रतिक्रिया आप सुनना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस मामले पर? बीजेपी का खेल शुरू हो गया है, हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि बीजेपी धीरे धीरे नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल कर देगी जी। तो यही ना दिख रहा है, कटिहार में उनका मुख्यमंत्री जी का ही पोस्टर से फोटो गायब कर दिया, अब तो इसे पता चल रहा है ना कि बीजेपी बिहार में भी खेल करेगी जी। ये तो अब नीतीश कुमार जी को सोचना है, जब मुख्यमंत्री जी का ही जी फोटो से चेहरा गायब कर दिया तो बीजेपी वाले का देख लीजिए जी। मृत्युंजय जी, आप बने रहे हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह भी बने हुए। अरविंद जी, अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, विपक्ष नेता आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार को साइड लाइन में साइड कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं मृत्युंजय जी पर कुछ नहीं बोलूंगा, मृत्युंजय जी हर चीज पे राजनीति करते हैं जी। देखिए मैं क्या कहूँ, मेरे नेता जो हमारे पार्टी के सदन में नेता हैं, माननीय तारकेश्वर जी डिप्टी सीएम, उनका बयान आ गया है कि भूल बस ऐसा हुआ है। हमारे नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, एनडीए गठबंधन के नेता हैं जी। चलिए, आपके आपकी बात हम मान रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि वो आपके नेता हैं, लेकिन अब जेडीयू के विधायक भी इस बात का आरोप कर लगा रहे हैं, विपक्ष को तो छोड़ दिए, वो तो आरोप लगाते रहते हैं अपने नेता का फोटो जी। जी बिल्कुल, बोलिए अरविंद जी। होगा जी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने नेता का फोटो नहीं देखने के बाद कोई भी विचलित होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है जी। और मैं खुद कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो होना चाहिए था, ये जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार हैं वो दोषी हैं। लेकिन अब चूंकि स्वाभाविक प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं कि चलिए प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो, लेकिन आखिर प्रतिक्रिया तो सामने आई है, वही प्रतिक्रिया किसकी आई है, जो आपकी, जिसके साथ आपकी पार्टी की सरकार है बिहार में, तो अब आप इसे किस रूप में लेंगे, किस तरह से इस चीज को आप ये करेंगे, सॉल्व करेंगे? देखिए, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, ये विश्वास का गठबंधन है, ये छोटे मोटे किचकिच का गठबंधन नहीं है, जैसे उनके यहाँ लूट टूट और झूठ का गठबंधन था। मेरा विश्वास विकास और बिहार को बढ़ता बिहार बनाने का नीतीश सरकार है, और हम लोग इस विश्वास के साथ हमारा गठबंधन है, हमारा अटूट गठबंधन है। चलिए एक हूँ अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहे हैं, अटूट गठबंधन की आप बात करते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। लगता है कोई चूक हुई होगी, वो ठीक हो जाएगा, मगर हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही काम करते हैं और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, तो आज जो भी अपने विकास के कार्य हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में ही होता है,
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबों के नेता। चलिए, तो आपने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की सफाई सुनी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता सौरभ कुमार, उनसे भी जान लेते हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल न्यूज में। सौरभ जी, कटिहार प्रकरण पर सबसे पहले प्रक्रिया आपकी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट विस्तार हो चाहे अन्य मुद्दे हो, इस तरीके से भाजपा लगातार और बार बार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री को अपनी चीजों को दर्शाती आई है कि हाँ सरकार वो चला रही है और जनता को भी ये समझाने की कोशिश बार बार कर रही है, उसी का आज प्रतिफल है कि ये अब स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे कि अब भाजपा पूरी तरह से सरकार को चला रही है। और भाजपा, चलिए अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के हाथ में सरकार की पूरी बागडोर है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी, जो खुद जो है एक क्षेत्रीय दल के दून दर्जा के नागरिक है। जहाँ तक बात है, ये भवन निर्माण विभाग का लापरवाही है, सरकार जो है कार्रवाई करेगी और इस पर जो है जो भी व्यक्ति दोषी हो उन पर जो है जांच हो रही है। जहाँ तक बात है माननीय मुख्यमंत्री, हम सब लोगों के नेता हैं नीतीश कुमार जी, और हमारे एनडीए गठबंधन के भी वो नेता हैं, और सारा पूरी सरकार उनके नेतृत्व में काम कर रही है जी। और जो भी इसके लिए दोषी होंगे। अरविंद जी, आपसे एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या ये विश्वास की नींव कमजोर तो नहीं हो रही? लेकिन सौरभ कुमार हमारे साथ बने हुए कांग्रेस के नेता। सौरभ जी, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि मानवीय भूल है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इतने बड़े कार्यक्रम में जी, अगर मुख्यमंत्री का फोटो छूटना मानवीय भूल है जी, तो भाई अब राजनीति के विद्यार्थी और जो जो यहाँ की जनता, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत समझदार मानी जाती है पूरे देश में जी, और अगर वो ये चीज को अगर नकार देते हैं कि ये मानवीय भूल करके, तो उससे काम नहीं चलेगा ना। ये तो स्पष्ट संदेश देने का एक उनका तरीका है कि अब धीरे धीरे सरकार जो है भाजपा ही चलाएगी और अल्टीमेटली मुख्यमंत्री से एक पुतला के तरह, एक फ्रंट में एक चेहरा के तरह काम करेंगे। और ये मंगल पांडे, आपका मंगल तारकिशोर प्रसाद पहले भी कई बार कैबिनेट विस्तार के पहले उनके कई बयानों को अगर आप ले लें, उन्होंने लगातार एक तिथि दिया था कि इस तिथि को कैबिनेट विस्तार होगा और अमूमन उसी डेट को कैबिनेट विस्तार हुआ। ये तो स्पष्ट रूप से है कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक चेहरे के तौर पे उस पार्टी में, इस सरकार में रह गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें जो है दिल्ली तय कर रही है और दिल्ली से ही ये सरकार चल रही है। और वो तारकेश्वर सिंह हो, प्रसाद हो या और भी जो मंत्री हो भाजपा के, वो इस चीज को स्पष्ट रूप से जानते हैं। और हाल फिलहाल में जदयू के भी कई नेता सर्वे जवान से ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री को जी जी सरकार। सौरभ जी बने रहे हमारे साथ, अरविंद सिंह जी बने। अरविंद सिंह जी, एक सवाल यह जरूर है कि अगर अफवाह उठ रही है तो कहीं ना कहीं धुआं भी लगी, धुआं उठा होगा, इस वजह से अफवाह भी काम कर रही है। आप बोल रहे हैं कि विश्वास है, विश्वास की नींव कहीं कमजोर तो नहीं हो रही जेडीयू बीजेपी के बीच? ये सब महागठबंधन में होती है, जहाँ झूठ टूट और लूट का माहौल है। अरविंद जी, महागठबंधन या विपक्ष की बात ही छोड़ दीजिए, आज आप तो आपके जेडीयू के विधायक ने उस कार्यक्रम को छोड़कर चले गए गुस्से में, उस पर क्या कुछ बोलेंगे? स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं उस जगह पर ऐसा तो मैजिक फोटो में कर आया था जी, हमारा नेता का फोटो नहीं होगा तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जितनी आसानी से आप इस स्वाभाविक प्रक्रिया को बोल रहे हैं अरविंद जी, जेडीयू के नेता या विधायक इस चीज को उस वक्त क्यों नहीं समझ पाए? राजनीति के बाहर खिलाड़ी तो वो भी होंगे ना जी। कोई भी नेता को थोड़े पता है कि किसका फोटो लग रहा है, किसका नहीं फोटो लग रहा है। ये तो जो अधिकारी है वो उनका विषय है और वो अधिकारी ये भूल किए है और इस भूल का जांच जरूर हो रही होगी, आप पता कर लीजिए। और वो जांच में जो दोषी पाएंगे वो बचेंगे नहीं। जहाँ तक बात है कि जैसे किसी को भी आप बुलाए, हमको आप किसी का ही बुलाए, तो हम पूरे देख रहे हैं कि बैनर पर किसका फोटो आप लगा है। अरविंद जी बने रहे हमारे साथ, सौरभ जी भी मौजूद है। सौरभ जी, जेडीयू विधायक का वहां से उस कार्यक्रम से गुस्से में चले जाना और बीजेपी का यह कहना कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और ये मानवीय भूल को बता रहे जिम्मेदार, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या क्या लगता है आपको, क्या ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जेडीयू विधायक की? देखिए,
ये मानवीय भूल बताकर इन चीजों को पाटने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये मानवीय भूल नहीं होता है। एक अगर क्योंकि देखिए ये एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और एक विभाग का कार्यक्रम है और उसमें मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का फोटो हर जगह जाता है, ये सारे लोग जानते हैं और इस चीज को समझते हैं, ये प्रोटोकॉल है। और जो भी अगर ये मानवीय भूल किया है, अगर सच में ये मानवीय भूल है तो इसको सुधारा भी जा सकता था और उन सरकारी जो अफसर है उनको सस्पेंड करना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि ये कोई मानवीय भूल नहीं है, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो जेडीयू के विधायक जो है वो अपने नेता को मुख्यमंत्री को जब चेहरा उन्होंने नहीं देखा तो वहां से वो चले गए, ये उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन ये सरकार जो है अब साफ साफ दिखने लगा है कि ये भाजपा नहीं चला रही है, इस बार मुख्यमंत्री जी का कुछ नहीं चल रहा है। और सबका साथ सबका विकास अगर इसका नारा है तो आज तक तो सबका विकास हुआ नहीं राज्य के जनता का, ये राज्य का। और जहां तक बात है अकाली दल हो चाहे विपक्ष, बड़े भाई की भूमिका में आप लोग मान ले इस बात को। देखिए ये जो है पहले बड़े भाई की भूमिका में जदयू थी, भाई के भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में ये आई है। और कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि पूरी जदयू पार्टी जदयू है जो भाजपा में विलय कर जाएगी और ये सिर्फ भाजपा की हार के और ये आश्रम बिहार के मारो के साथ वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, वो ऐसे पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं जो धीरे धीरे जो है उनके गठबंधन अब तो सीधा सवाल उठ रहा है विपक्ष के द्वारा और जेडीयू के नेता भी यही मांग कर रहे हैं कि अगर आप मानवीय भूल भी मान रहे हैं तो जिनकी भी गलती है क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, इसकी मांग भी की जा रही है। और अब कार्रवाई की नहीं जाएगी, कार्रवाई स्टार्ट हो गई जी, कार्रवाई की नहीं जाएगी जी जी। आप पता कर लीजिए जी, जो भी जिनका भी इसमें कसूर है उन पर कार्रवाई शुरू हो गई, जांच शुरू हो गई कि क्यों नहीं हुआ जी। ये महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये एनडीए गठबंधन की सरकार है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता है और इस सरकार में हम किसी को बकसते और बचाते नहीं है जी। जो जैसा करता है, जैसा जिसकी करनी होती है वैसी भरनी भरना पड़ेगा। ये इसमें हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, सब आप है, हमारा मनसा साफ है, हमारा उद्देश्य साफ है और हमारा गठबंधन जी। शुक्रिया अरविंद जी तमाम बातचीत के लिए। और सौरभ जी आपका भी हमारे साथ, सौरभ बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया और अरविंद जी जो बीजेपी प्रवक्ता है उनका भी शुक्रिया। और क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने, आइए आपको सुनाते हैं। कोई चूक हुई होगी वो ठीक हो जाएगा, मगर हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही काम करते हैं और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। तो आज जो भी अपने विकास के कार्य हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में ही होता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के। तो कटिहार में अस्पताल के नए भवन का शिलान्यास किया गया, लेकिन इस दौरान एक नया विवाद सामने आया और इस पर सफाई भी दी जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, और विपक्ष भी इस मामले को अब राजनीतिक तूल देता जा रहा है। आगे देखें कि आखिर यह मामला कितना आगे जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।